मुझे ना सिया और इसकी मम्मी ने पूरा इसके अंदर लपेट दिया है। एक बार फिर से आपका स्वागत है शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी हम लोग जो है तमिलनाडु के वेल्लूर से पहले और कृष्णागिरी के बाद में बीच में है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर खेत आ रहे थे, आते आते रास्ते में हमने देखा एक अलग ही चीज़। अब तक हमने आपको दिखाए हैं नारियल, नारियल का पानी, नारियल तोड़ते हुए हमने आपको दिखाया, नारियल के पेड़ दिखा दिए और क्या दिखा, खोपरा दिखा दिया, तेल निकालते हुए दिखा दिया, सब दिखा दिया। सिर्फ एक चीज रह गई और वो एक चीज है ये। ये क्या है भाई? ये जो नारियल की जोटी होती है ना, जो घट निकालने के बाद बचती है, उसको ऐसे मतलब खुला खुला कर रहे एकदम। इसको ये लोग नार बोलते हैं, नार, नार। ये नार खोपरा निकालने के बाद में कुछ इस तरह का ये पार्ट बच जाता है। और खेत में जो होता है किसानों के, जो नारियल के किसान होते हैं, वो क्या करते हैं फिर इस पार्ट को भी बेच देते हैं। तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, ये देखिए फुल्ला लग गया है, मतलब नहीं तो बड़ा बड़ा हुआ है। एक्चुअली ये क्या है, अंदर से ये ऐसे बने, ये थोड़ा थोड़ा छिला है, बाकी पार्ट तो चला गया साथ में अपने, जैसे राजस्थान साइड में। हाँ। बाकी पार्ट तो चला गया, बाकी पार्ट तो अपन छीलते हैं क्योंकि अपने पास ही जाती है ऐसे, अंदर वाली जोटी तो जाती है। चलो उधर फैक्ट्री की साइड में चलते हैं, वहाँ नया नया देखने को मिलेगा और बताएंगे। अभी हम लोग जो फैक्ट्री की साइड में जा रहे हैं, पूरा ढेर लगा हुआ है यहाँ पर। गिल्ली है, उसको भी डालते हो इसी के अंदर में? नहीं, ओला डाले तो अच्छा नहीं, नहीं नहीं कटा ना उसको, ऐसा कैसे होगा वो? ओला पहले डालेगा तो ऐसा आ रहा। अच्छा पहले वो डाल चुके हो आप? हाँ, अच्छा। ये वाला डालेगा तो ऐसा वाला आ रहा। अच्छा पानी सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है? सेकंड टाइम। पहले उसको डाला था फिर ऐसा हो गया? हाँ ऐसा हो गया, फिर इसको और गीला किया पानी से। अच्छा पानी डाल के बाद में तीन तीन चार दिन बाद में मारना पड़ेगा, और एक बार उसमें छोड़ेगा तो फिर एक बार वो डाले क्लीन करने के लिए। हाँ वो वाला ऐसा आ रहा। पानी से क्या होता है, ये गल के सही साफ हो जाता है? ये क्या काम आएंगे बाद में ये क्या काम में आएंगे? वो वाला रस्सी बना रहा, इससे रस्सी बनेगी। और ये वाला नार का रस्सी बना रहा। अच्छा वैसे आ रहा ना उधर का वेस्ट है, उसे जंगल बनाने की नर्सरी, नर्सरी। हाँ नर्सरी, नर्सरी पेड़ पौधों के लिए काम है। अच्छा वो खाद है तो पानी नहीं छोड़ेगा, 10 दिन 20 दिन एक बार पानी छोड़ेगा तो 10 दिन वो पेड़ के लिए बना रहेगा नमी। अच्छा वो चीज देखनी है फिर मुझे, गू, गू, इसको गू बोलते हैं? गू बोलता है तमिल में। अच्छा ये वाला नर्सरी के ऐसा वाला पेड़ है ना, वो वाला एक प्लास्टिक पेपर में डाल के कोकोपीट बोलते हैं, कोकोपीट, कोकोपीट, इसको कोकोपीट इन खाद है एक तरह से। और ये नमी बरकरार रखेगी, 10 दिन तक पानी नहीं डालना पड़ता। नहीं डाले, एक बार पानी चढ़ेगा तो ऐसा वाला ठंडा है, ठंडा ऐसा। हाँ अच्छा, चुका नहीं होगा। अच्छा कितना गर्म आएगा ना, चुका नहीं होगा। अच्छा एक पैकेट में 1 kg डाल के एक पेड़ रखे तो अच्छा पानी नहीं छोड़ेगा। ये जबरदस्त चीज बताई यार, तभी नर्सरी में ये रखते हैं। नर्सरी बाकी जंगल का वो नीचे डाल रहा ना मेडिसिन, मेडिसिन जंगल के लिए मेडिसिन। हाँ नीचे वो वाला तमिल में ही अच्छा बोल रहा, हिंदी में मालूम नहीं है। तमिल में क्या बोलते हैं? दूसरा वाला बहुत जबरदस्त है यार, उन्हें रेत के दौरों में तो ये काम आएगी क्योंकि उधर पानी की सबसे समस्या रहती है। ये कह रहे हैं 10 दिन तक पानी नहीं डालेंगे तो भी नमी बनी रहेगी। 10 दिन नहीं, 1 महीना पानी नहीं छोड़ेगा, 1 महीना भी तब भी जोरदार है। एक कॉकपिट बोलते हैं इसको, ये एक गमला में ये वाला रखेगा तो 1 महीना नहीं, 6 महीना है ना चुका नहीं होगा। अच्छा इनकी रेट कैसे है, क्या है, क्या रेट बिकती है ये? टनेजी 1 टन चुका वाला गो, 1 टन 13,000 रुपए का टन, 1 टन यानी 10 क्विंटल 10 क्विंटल का 13,000 एक केजी का 13 रुपया 13 रुपए किलो, 1 टन का 13,000। अच्छा इसको खेत में भी डाल सकते हैं, गेहूं चावल के अंदर, राइस वाले सब डालेगा तो पानी नहीं छोड़ेगा पानी। वाला डाल के छोड़ेगा तो 10 दिन के एक बार पानी छोड़ेगा तो हो जाएगा। वो पानी पकड़ रहा, पानी पकड़ता है कॉकपिट। अच्छा पानी पकड़ के रखिए, वो इससे भी खराब हो क्या वेस्टेज? वो लास्ट वाला, वो वाला ना यूज हो रहा, सोफा सेट बेड बना रहा, वो बेड बनाने में काम में लेते हैं। अच्छा वो वाला पूरा क्लीन करके चुका करके बंडल मारे तो लेके जा रहा। ये वेस्टेज है सबसे, जो इसके अंदर
खराब क्वालिटी निकलती है वो ये चीज। ये यहाँ पे है ना जो ऊपर जा रहा है वो एकदम चरखे के जैसे चल रहा है, मतलब जैसे चरखे से पहले कुछ धागा बनाते थे ना, तो ये एकदम खुला खुला कर रहा है, चरखे के जैसे चल रहा है, गोल 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 घुमा रहा है। यहाँ पर क्या है कि ये एक साइड से यहाँ पर माता जी लगे हुए हैं डालने के लिए, और दूसरी साइड में क्लीन होने के लिए यहाँ से ऊपर जा रहा है सीधा। ये एकदम हाथ में लेते हैं ना ऐसे, एकदम रुई की तरह है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है, क्लीन किया हुआ है पूरी तरह से, जबरदस्त है, जबरदस्त है। और नारियल में कुछ भी वेस्टेज नहीं जाता, सब काम में आता है। वो अंदर वाले एक सख्त पार्ट होता है ना उसका भी बता रहे थे कोई, वो भी काम आता है। तो वो कह रहे थे चटाई बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए, रस्सी हमने यहाँ पे खूब सारी दुकानों पे रस्सी देखी है नारियल। अब ये लेक के कैसे जाते हैं लोग, देखो इतना बड़ा ढेर लगा दिया। अब ये इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भर रहे हैं, ये जो क्लीन हो गया एकदम साफ अच्छी क्वालिटी का, इसको इसके अंदर डाल रहे हैं। अभी हम लोग इसको भर रहे हैं, आप मुझे लाला के दो, इसको पूरी तरह से भरना है, एक बार जब भर जाएगा तब इसको पींचेंगे। ऐसे भरना है, ओके। अच्छा ऊपर चढ़ गए, ऐसे करना और है क्या? इसको इतने सारे को पूरा दबा दबा के भर रहे हैं, अभी और आएगा इसमें नहीं? इसको पूरा भरेंगे ना बेटे, 33 केजी। ये जो पूरा है बना है वो पूरा 33 किलो इसके अंदर डाला है। अब इसको प्रेशर देंगे ऊपर से, धड़म इस तरह से प्रेशर देकर के इसको एक सेट की तरह तैयार किया है, यानी कि बंडल बना रहे हैं ताकि इधर उधर ले जाने में उठाने में इसकी आसानी रहे। 33 किलो का एक बंडल बना, 3 गुना था वो। और फिर ये बंडल ला करके यहाँ रख देते हैं, इतने सारे बंडल। अब क्या है, इन बंडलों में आसानी रहती है इधर उधर ले जाने में उठाने में। ऐ इसके अंदर है ना बहुत गर्म होता है ये, मुझे ना सिया और इसकी मम्मी ने पूरा इसके अंदर लपेट दिया है, बहुत गर्मी लग रही है इसके अंदर, बहुत गर्मी होती है, गर्मी होती है तभी तो गद्दों के अंदर लगा, गद्दों के अंदर हाँ बहुत गर्म रहता है। चल निकल जा बेटा। ये मैं छुप गया था, मैं निकल गया। ये बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था और बहुत सारी नई चीजें सीखने को और जानने को मिली हमें यहाँ पर। और इधर उर मल्लपल्ली है, मल्लपल्ली त्रिपत्तूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। चलो यहाँ से चलते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, देखने को सीखने को मिला नई चीजें। और ये वास्तव में जो कॉकपिट होती है बहुत ही काम की होती है, और ये जो रस्सियां बनती है, चटाई बनती है, ये भी बड़ी काम की होती है इसकी, जो क्योंकि ओरिजिनल कोकोनट की बनती है। यहाँ पर खूब सारे इस तरह से ढेर लगे हुए हैं, ऐसे जो ट्रक भर के जाते हैं। चिड़ियों का घोंसला वगैरह आपने देखा होगा मार्केट में, वो भी इसी से बनता है। इसके अलावा हमने और क्या देखा था, गणेश की जैसे मूर्तियाँ बनाते हैं ना, उनके बैकग्राउंड में इसको काम में लेते हैं, जैसे मिट्टी की मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं बड़ी सारी विशाल पंडालों में लगाने वाली, उनके बैकग्राउंड में इसको काम में लेते हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर नए हैं तो शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अभी हम आपसे अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे।